श्री सुंदरम से, और अभी डायरेक्ट कृष्णेश्वर का मैप डाला है, तो डायरेक्ट मिलते हैं फिर रोड पे। कोल स्टार्ट कर लिया है और कल मैंने चला वो कुछ 147 किलोमीटर, और अभी ट्रिप को करते हैं ज़ीरो फिर से। तो ट्रिप को करते हैं ज़ीरो, और आज कुछ तो 350 दिखा रहा है मुझे। चलो चलते हैं, बाय। चलो निकलते हैं फाइनली। लिटिल बिट ऑफ रोड, और वो सुमित बच्चों को कुछ स्नैक्स बांटने गया है। आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो वो फ्लैग लेके घूम रहे थे, इसलिए बार बार ब्रेक लेते हुए ये लड़का। अबे हगने मत बैठ, तू वैसे भी रोड पे हगता है। जस्ट वाटर ब्रेक के लिए रुके, अभी फिर से निकलेंगे बैक टू द रोड। खड़े कर ऑफ रोड हो रही है शहर में, लद्दाख विदाख में था, ये रोड पे आ जाओ। ऐसा ही रोड है कब से, इसके लिए तो 300 किलोमीटर करने में वो 6-7 घंटा बता रहा है। अभी एक खत्म नहीं होने के दूसरा चालू ऑफ रोड। ये थोड़ा बड़ा वाला था, शायद से बारिश आने वाली है क्योंकि पूरा बादल बादल हो चुके हैं। देखते हैं अभी कैसा होता है, तो मुझे लगता है हमें रेन गियर फिर से डालने पड़ेंगे ही। एक बार हाय बोल दो सर। किशोर कुमार, हाय। जो पुराने ओल्ड सिंगर थे ना, हाय कर दो। कुछ 90 किलोमीटर और अभी बजे है 1:30, तो बस हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। ये कुछ होटल है यहाँ पे बढ़िया, वहाँ पर वहाँ पार्क कर दी है। अभी तक तो
रोड एकदम ख़राब है, तो हालत ख़राब हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी देखेंगे आगे दिखा रहा है थोड़ा क्लियर रोड, तो देखते आगे। चलो मिलते आपको रोड पर। तो बीच में वाइजर साफ करना चाहिए क्योंकि तो बहुत गंदा हो जाता है। ये देखो वाइजर की हालत खराब है। डालूंगा मैं। ये देखिए हमारी जूतों की हालत। अरे सबकी सबकी हालत खराब हो चुकी है। वाइजर की हो चुका है अभी, तो से इसे बोल देने का। सो अभी वो होटल से निकल गए हैं, वहाँ पे कोई विदाई आ रहा था तो उसकी वजह से वो बहुत भीड़ हो रही थी वहाँ पे, इसके लिए हमने सोचा कि निकल जाते हैं। थोड़ा सा खाया हमने खाना, खाना अभी तक के ट्रिप के सबसे बेस्ट खाना था वहाँ का। क्यों रोक रहा है मुझे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? करना व्लॉगर्स लाइफ। मेरा बैग थोड़ा लूज हो गया शायद से। बराबर है, चलते हैं। दो मिनट में अभी गाड़ी से उतरा, इतना गर्म होने लगा कि पूछो मत। ये छोटा मोटा ऑफ रोड। ऋषि ये गलत है, बहुत गलत है। है वेब रिकॉर्डिंग चालू है। कृष्णेश्वर हेलो, क्या नाम है? सोहेल। किधर था? चलो देख सकते हो बड़ा फ्लैग है। अभी अभी जस्ट एक रील निकाला, अभी पोस्ट करने जा रहे हैं। और जहाँ पे पानी पिया और एक आइसक्रीम खाई, यहाँ पे बाइक पार्क हुए है और ये अमेजिंग सा सनसेट होते हुए। चलो निकलते आगे। वो बच्चे को क्यूरियोसिटी है, मतलब कहाँ जा रहे क्या कुछ रहे। चलो निखिल बता रहा है उसको। तो अभी टाइम हो रहा है 6:51 और अभी किलोमीटर बाकी है 111 किलोमीटर बाकी है और उसके लिए 2 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है शायद से आगे रोड खराब रहेगा। अभी तक तो अच्छा रोड मिल रहा है लेकिन आगे पता नहीं। अभी भी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि इतना देर चला रहा हूँ। बीच में थोड़ा लगा था क्योंकि धूप की वजह से, लेकिन अभी पूरा का पूरा फ्रेश फील कर रहा हूँ। अभी कृष्णेश्वर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अभी तक का सफ़र तो बढ़िया था, रोड एकदम अच्छे है, 2-लेन हाईवे है, तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अभी जस्ट यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाने के लिए रुके थे, अभी ऑटो किया है मिसल पाव, और मिसल पाव खा के निकलेंगे। हमें पहुँचते पहुँचते शायद से 10 या 11 बज सकते हैं, तो देखते आगे।
वहाँ जाके होटल भी ढूंढना है, वो बड़ी परेशानी है, देखते हैं अभी आगे। ये मेरा नहीं है मिसल को, ये क्या है? तो अभी जोरदार बारिश हो रही है, इसके वजह से हम रुके हैं यहाँ पे, वही होटल पे है, आप देख सकते हैं। तुम्हारे साथ हम भी है तुम्हारे, ये डायलॉग इसीलिए बोले बाबा जगह जगह पे परीक्षाएं ले रहे हैं हम लोग की, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम भी बोले बाबा के भक्त है, दर्शन दिए बिना मानेंगे नहीं। चलो बारिश खत्म होने के बाद देखते हैं। सो अभी जस्ट होटल में पहुंचे हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:35। बाद में रोड अच्छा मिला हमको इसके लिए 11:30। तो सेफ जर्नी हुई अभी अभी तक हमारी, कैसा लगा? बहुत अच्छा था यार, बारिश। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई, बट बाकी का रोड एकदम अच्छा था। रोड पे लाइट नहीं थी इसके लिए थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन हो गया आराम से। और बजे है 11:30 और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले भाई, आजा। नाम क्या आपका? इज़ाइड। एक एक का नाम बता दो। नाम बता दो। उसे इब्राहिम। जस्ट होटल के बाहर ही मिली है ऐसे। अरे आप आओ, आ जाओगे। थैंक यू भैया। कैफे सुख सागर में रुके हैं हम लोग और तीनों के तीन ही ब्लॉग कर रहे हैं। और ये है पनीर, पनीर पराठा, आलू पराठा और दो सैंडविच। निकलते हैं पहले एक बार। हर हर महादेव बोल देते। चलो 1 2 3 हर हर महादेव। पहुंच गए हम विश्वेश्वर टेंपल के पास और बाइक यहाँ पे कुछ ऐसी पार्क की है, यहाँ पे मंदिर का ही पैन पार्क है। वो चलते हैं मंदिर की तरफ। आज मौसम थोड़ा अच्छा है। वर्षामध्ये जितके 12 ज्योतिर्लिंग आहेत त्याच्यामध्ये हे शेवटचं ज्योतिर्लिंग आहे, याचं नाव आहे घृष्णेश्वर। याच्या मंदिराचं आणि शिवलिंगाचं वैशिष्ट्य असं आहे, याच्या आधीचे जे 11 ज्योतिर्लिंग आहे त्याचा अभिषेकाचं जल जे आहे ते पूर्व दिशेला जात नाही, याचा एकमेव ज्योतिर्लिंगाचं जल जे आहे ते पूर्व दिशेला जातं। बाकीचं कुठलंही शिवलिंग असलं त्याचा अभिषेकाचं जल उत्तरेला जातं, आणि या एकमेव ज्योतिर्लिंगाचं जल जे आहे अभिषेक झाल्यानंतरचं जे शाळुंक आहे ते पूर्व दिशेला जातं, त्याच्यामुळे याला पूर्वाभिमुख ज्योतिर्लिंग म्हणतात। याच्यानंतर कुठलंही ज्योतिर्लिंग नाही आहे, त्याच्यामुळे हे ज्योतिर्लिंग पूर्णत्व झालेलं आहे। म्हणून ज्याप्रमाणे फुलस्टॉप असतो प्रत्येक सेंटेन्समध्ये, ज्या फुलस्टॉपमुळे त्या वाक्याला महत्त्व प्राप्त होतं, त्याच्यामुळे हा सिग्निफिकंट चेंज इथे केलेला आहे। यात्रा पूर्ण होते, यात्रा पूर्ण होते ज्योतिर्लिंगाची। कुठली पण एकमेव शिवलिंग आहे ज्याला पूर्ण परिक्रमा केली जाते, कुठलंही शिवलिंग ज्योतिर्लिंग आहे कोणतंही प्रणवलिंग आहे त्याला परिक्रमा होत नाही, एकमेव शिवलिंग आहे ज्याची पूर्ण परिक्रमा केली जाते, त्याच्यामुळे इथे यात्रा पूर्ण झाल्याचं फळ मिळतं। मंदिराचा इतिहास असा आहे की हे मंदिर साधारण 350 ते 400 वर्षापूर्वीचं आहे। भारतातल्या बहुतेक मंदिरांचा शिवमंदिरांचा जीर्णोद्धार ज्यांनी केला अशा इंदोरच्या महाराणी अहिल्यादेवी होळकर यांनीसुद्धा या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे 1791। त्याच्या आधी छोटं दगडी मंदिर होतं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे भोसले यांनी इथे दगडी मंदिर बनवलेलं होतं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नेटिव गाव हे आहे, मूळ गाव हे आहे, पाटील की जे म्हणतात त्यांचं आधी इथं होतं। त्यांच्या काळामध्ये इथे दगडी मंदिर होतं, त्यानंतर अहिल्यादेवी होळकर इंदोरच्या महाराणी यांनी हे मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे। इथे मंदिराच्या
ट्रस्टतर्फे आम्ही सर्व भाविकांच्या सुविधेसाठी वेगवेगळे प्रयत्न करत असतो। शनिवार रविवार सोमवार आमच्याकडे रक्तदान शिबिर असतं। दररोज रोज दुपारी 12 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत भाविकांना प्रसाद असतो, त्याच्या पाण्याची व्यवस्था असते। आम्हाला विशेष करून प्रत्येक भाविकाचं दर्शन चांगले चांगलं करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो। त्याच्यामध्ये आम्ही बऱ्यापैकी म्हणजे कामयाबसुद्धा होतो। पण आता गर्दी पण अशी सतत जशी वाढती आहे, आम्हालाही थोडंसं आम्हालाही त्याच्या आमची क्षमता आहे, लोकांनी जास्तीत जास्त मंदिरात यावं आणि दर्शन घ्यावं हीच आमची इच्छा आहे। छान, खूप खूप धन्यवाद, खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून आणि तुमच्यासाठी बोलून। खरं सर शपथ सांगतो, मी एवढे मंदिरं गेले पण ह्या मंदिरात मला खरंच खूप चांगली मॅनेजमेंट वाटली। ह्याच्यासाठी प्रयत्न आहे आमचा, कोणाला त्रास होऊ नये काही नाही। आता काही भाविकांना होतो, गर्दी आहे, त्याला काही करू शकत नाही। अभी विष्णेश्वर टेम्पल का दर्शन हो चुका है, अभी है ना इतना है। अभी विष्णेश्वर टेम्पल का दर्शन हो चुका है, अभी हम जैसे पास में ही था एक बजरा मारुति करके मंदिर है, वहाँ पे आए और यहाँ पे तो कुछ लाइन नहीं है, और यहाँ पे जल्द से जल्द दर्शन हो जाएगा। देखा आगे फिर यहाँ से हमें सीधा निकलना है मुंबई के लिए, आज ही पहुँचना है मुंबई को, क्योंकि एक दिन ऑलरेडी एक्सटेंड कर लिया है हमने कि आज ही मुंबई, कल ही मुंबई पहुँचने का प्लान था लेकिन आज तक एक्सटेंड कर लिया है। तो फाइनल निकल रहे, ये होटल में निकल थे, अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:48, हमें पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे शायद से आज। चलो निकलते हैं और ये आज का ट्रिप करते हैं ज़ीरो। कल हमने चला 365 किलोमीटर और अभी ट्रिप को करते हैं ज़ीरो। अभी देखते हैं आज कैसा कितना हो पाता है। एक्चुअली मैं आज नहीं लीड कर रहा, आज मैप डाला है निखिल ने, तो मैं उसके पीछे ही रहूँगा शायद से। चलो निकलते हैं। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है क्योंकि हम ऑलरेडी शेड्यूल से बहुत पीछे चल गए। ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, वो क्या है पता नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। ये तो कोई सा, अरे हाँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज का वो अजिंक्यगढ़ है, यही वाला। पीछे कुछ फुटेज शूट की थी, हम एक होटल पे रुके थे, वहाँ पे खाना खाया, वहाँ की कुछ फुटेज थी लेकिन वो अभी तरफ गई गई है शायद, क्योंकि कैमरा चालू ही नहीं हो रहा था। मैं तो मुझे लगा वो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन वो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम अभी है एग्जैक्टली ये रोड मुझे कौन सा है वो भी नहीं मालूम, कि निखिल का मालूम है, निखिल लीड कर रहा है, उसने उस मैप में मुझे एक लोकेशन डाल के दिया है। अभी हम वो रूट से जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम शिरडी के रूट से जाएंगे, किसी शिरडी का सहारा करते हुए। देखते हैं आगे जो भी होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वैसे भी रात में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, मिलता है आपको बाद में। क्विक अपडेट, हम है घोटी में और टाइम हो रहा है 10:45। अभी भी
घर पहुंचने के लिए कुछ 125 किलोमीटर बाकी है, उसके लिए भी ढाई घंटा दिखा रहा है अभी देखो। ये सबसे फालतू राइडर है हमारे में, इतना बोर करता है ना कि पूछो मत। आईफोन है? हाँ। क्वालिटी इतनी खराब क्यों है फिर? नाइट है ना। अबे तू रेडी भी हो चुका है उसका, देख अभी भी चल रहा है वो। 140p 2K 4K अब वो 8K रहेगा ना? मैं जोन में नहीं मैं वो जोन पार कर चुका हूँ। कहाँ पे अभी अपन? हमें गोटी गोटी में। और यहाँ से मुंबई कितना दिखा रहा है? 125 किलोमीटर, लेकिन इसको उसके लिए ढाई घंटा दिखा रहा है। 2 hours 45 minutes क्यों ऐसे? वो कल्याण भिवंडी का वो ट्रैफिक, अभी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मर जाएंगे। अभी मरे वहाँ तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। क्या लगता है बारिश मिलेगी हमें? शायद से, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा था। रास्ता कैसा है? अमेजिंग है। अच्छा, खड्डे में रास्ता है या खड्डे रास्ते में खड्डा है वही नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है, नींद भी आ रही है बहुत। चलो मिलते हैं रोड पे या सब सीधा घाट पर। भिवंडी से जो पहला टोल नाका है वो जस्ट अभी क्रॉस किया है, ये फाइनल टोल नाका रहेगा इस ट्रिप का। और यह जस्ट चाय पी के अभी निकल रहे हैं, ऑल सेट फॉर होम। अभी बस लास्ट 45 किलोमीटर बचे हैं और उसके लिए भी एक घंटा दिखा रहा है, तो देखते हैं। चलो निकलते हैं अभी। यहाँ से है मुंबई 66, ठाणे 31, भिवंडी 16, कल्याण 12। हमें जाना है घाटकोपर। तो आ गए हम हमारे घर के पास, अभी हम हैं डेपो के पास। और हम कृष्णेश्वर से निकले थे कुछ 3:30-4 बजे और अभी टाइम हो रहा है 1:42। तो अच्छा स्पीड मेंटेन किया हम लोगों ने, बीच में बारिश आ गई थी और खाने के लिए ब्रेक लिया था, बस उतना ही, वरना नॉन स्टॉप कृष्णेश्वर से मुंबई कंटिन्यू आया है। अरे भैया 10 मिनट में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, कुछ 1-2 किलोमीटर रह गए होंगे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एडवेंचर में। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और किलोमीटर हुए हैं आज के दिन के 3:41 और ये पूरे ट्रिप के किलोमीटर हो चुके हैं 1,564 किलोमीटर।